मेहता और पदू सर कई जो हमारे सेंटर्स थे उस पर विजिट किया, स्पेशली जो हमारा ये खरीफ का 2023 का जो एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट हो गई है, मार्केट को जो हम एक स्टेट एजेंट प्रोक्योरमेंट को किस तरह से किया जाता है कि क्या सिस्टम और इंस्पेक्शन रखा गया और यहाँ का जो अधिकारीगण है चर्चा भी की गई, प्रोक्योरमेंट्स भी अभी थोड़ा कम आ रहे हैं तो इसलिए इसको किस तरह से तेज़ी में लेके आने उसके बारे में इंस्ट्रक्शन और डिस्कशन थी। हमारे जो प्रक्रिया में कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ समस्या भी थी उसका फीडबैक लिया गया। हमारा गोल ये रहेगी क्योंकि ये 90 दिन का दिया जाता है तो ये अभी ऑलमोस्ट एक महीना हो गया अभी शुरुआत हुए, अभी हम और 60 डेज है तो उस 60 डेज में हम इस प्रक्रिया को कम्प्लीट करना चाहते हैं तो उसके व्यवस्था को पूरा राजस्थान में विभाग के जो कर्मचारी उनसे चर्चा चलती है। तो टोकन हमारा सिस्टम है, ऑनलाइन प्रक्रिया होने से काफ़ी कुछ चीज़ें सही हो गई है तो इस प्रक्रिया को और जैसे कि मंडी सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने अपने इनोवेशन बताया कि उन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से लेके आए तो ये जो प्रक्रिया है उसको और सरलीकरण करने की ज़रूरत है। अभी तो सिस्टम चलिए उसको और पुख्ता करेंगे, सर्वर सिस्टम जो के प्रॉब्लम्स है उसको एक बार फिर से चेक करके अभी गिरदारे भी ऑनलाइन हो गई प्रक्रिया और इम्प्रूवमेंट होगा। हमारा जो सिस्टम है उसमें किस तरह से और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं वो फील्ड विजिट से ही पता चलेगा। ये एक वन ऑफ द विजिट प्रोसीजर शुरुआत की है कि जाकर के सहकारी संस्थाओं के अंदर सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली और किसानों के बीच में जो समन्वय है उनके बारे के अंदर मैं देख रेख करके सारी और किसानों की बात जैसे आपने कोई भी बात आपके सामने रखी तो ताकि उसका निराकरण भारत सरकार के साथ राजस्थान सरकार के साथ और जो पैरामीटर्स कहते हैं उनमें चर्चा करके उसके लिए उसका निराकरण कराया जा सके। इसलिए आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि भी हर सहकारी समिति में जहाँ जहाँ खरीद चल रही है वहाँ शुरू में जाऊँगा मैं। इसलिए बहुत बहुत किसानों की तरफ से मेरी तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने जो ये कदम उठाया है ये बहुत ही किसानों के हित का कदम है, सहकारिता का हित का कदम है और इससे किसानों को और हमारी सहकारी संस्थाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, किसान को सही लाभ मिलेगा। इसलिए मैं आपसे और अब जो अधिकारी यहाँ पधारे हैं उनसे निवेदन है कि अब आप क्योंकि पहले चुनाव थे इस हर तरह से हमारे अधिकारी भी चुनावों में लगे हुए थे तो इस तरह से अपनी खरीद में काफी शीतलता रही। हाँ, इसलिए अब आप ज्यादा से ज्यादा टोकन की प्रगति को छोड़ो और हम भी यहाँ पर जितना भी है संसाधन संस्करण में हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की जो है खरीद की जाए ताकि किसान भी अपना समय में आगे का समय लगे और हमारे कर्मचारी भी थोड़े दिनों में इस काम को करके दूसरे अपने व्यवसाय करने में लगे। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आज से आप हमारे सभी सेंटर पर कम से कम 100-100 किसानों के टोकन जारी करने का आदेश कर दो ताकि इस किसानों का हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें और एमडी साहब और उनके साथ